जहाँ मैं इंतजार ही कर रहा था कि कब आ रहा है कल का ट्रेलर, क्योंकि जब कोई चीज़ ज़्यादा हाइप क्रिएट कर लेती है तो उसकी एक्साइटमेंट अपने पीक पर होती है, सातवें आसमान पर हो जाती है। हाँ, कल की वालों की ये बात तो अच्छी है कि उन्होंने टाइम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और ये पहले ही बता दिया था कि ट्रेलर 7 बजे आ रहा है। हाँ, अपन बात कर लेते हैं कल की के ट्रेलर की, जो कि ये मेरे लिए काफ़ी हो जाता है, जो कि इसका ट्रेलर कल की को देखने के लिए अपने मन में प्रेरणा जागरूक कर जाता है तुम्हारे डिस्टोपियन के चलते कि एक ऐसी दुनिया जहाँ लोग पानी के लिए तरस रहे हो, सही से खाना ना मिलना, वर्ल्ड का पहला शहर दुनिया का आखिरी शहर बन जाना, जो कि काफी होता है एक टिपिकल डिस्टोपियन मूवी के लिए। जहाँ इतना विश्वास तो मेरा कह जाता है कि एवं कोई टिपिकल गनपट्टाई डिस्टोपियन मूवी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली, ये पक्का एक सरप्राइजिंग मोमेंट क्रिएट कर सकती है, जो कि इसके ट्रेलर को देखते हुए लगता भी है, जिसकी ड्यूरेशन 3 मिनट की है, जो कि लगता बिल्कुल भी नहीं है कि ये 3 मिनट तक चल रहा है, सर्वाइव कर रहा है। जहाँ उम्मीद ये कहती है कि थोड़ा और दिखा देते, पर ठीक है, ज्यादा स्पॉइल ना करते हुए जितना कुछ देखने को मिला है वो काफ़ी है। बेटर लगता है तुम कोशिश भी नहीं करते हो कि वहाँ से नज़र हट जाए, कि ध्यान कहीं और चला जाए और कुछ अच्छी चीज़ नज़रों से छूट जाए, कि कहीं नज़रों के सामने गलत चीज़ आने से पहले, जहाँ गलत नहीं कह सकते पर अनएक्सपेक्टेड चीज़, जिसको कि मैं दिशा पटानी को कहना चाहूँगा कि बंदी अपने हुसन से हल्ला मचाने आ रही है। जहाँ बताया ये जा रहा है कि मूवी में इन दोनों का, प्रभास और दिशा पटानी का, एक सिंगल ट्रैक लव ट्रैक भी होगा, ये लव स्टोरी देखने को मिलेगी। हाँ, ये लव स्टोरी देखने को मिलेगी। जहाँ लोग दीपिका को लेके बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग मी, कि प्रभास और दीपिका का कुछ देखने को मिल जाएगा, पर आंखों पर विश्वास कर लेना चाहिए, जैसा कि वहाँ के लोगों को सुप्रीम या स्किन पर विश्वास होगा कि अगर उन्होंने 1 मिलियन इकट्ठे कर लिए, 1 मिलियन यूनिट इकट्ठी कर ली, तो उन्हें उस कॉम्प्लेक्स में जाने का मौका मिल जाएगा, कि वे अगर 1 मिलियन यूनिट कमा लेते हैं तो वो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सकते हैं, जहां आपको सबसे पहले पानी की सुविधा मिल जाती है, एक मिडिल क्लास परिवार से अमीरी का रस चखने के लिए, जिसके लिए लोग तरसते हैं, जो काशी, जो कि दुनिया का पहला शहर था और दुनिया का आखिरी शहर भी हो सकता है, जहां रूल यस्किन का चलता है, जो कि एक तरह से राजा बन चुका है, जहां यस्किन को हिटलर से कंपेयर तुम कर लेना, ड्यून से मत कर लेना, बाकी इसके बारे में अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ पर भास पर आ जाते हैं कि लग रहा है बंदा फुल रोमियो एक्सेंट रखने वाला है अपना। जहाँ अभी के लिए दिशा पाटनी के साथ ही कुछ लेन देन बताया गया है, पर जो भी अब तक ट्रेलर में दिखाया गया है वो कल्कि की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा निकल कर आता है, कि अपना एक रूलर है जिसका नाम यस्किन है, अपना हीरो प्रभास और हीरोइन दिशा पाटनी, मेन साइड में अमिताभ बच्चन है एज अश्वत्थामा और माँ रक्षा करने दीपिका पादुकोण, जिसके गर्भ में एक देवता का रूप है, जो कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए, इस कल्कि के लिए, जो कि दिखता भी है। जहाँ इस ट्रेलर के हिसाब से इसकी कहानी क्या कहती है कि अपने हीरो को प्रभास को कॉम्प्लेक्स जाना है, या फिर वो वहाँ है और यस्किन का भरोसा जीतना है, जिसके लिए प्रभास को टारगेट दिया जाता है दीपिका पादुकोण को पकड़ने का यस्किन के लिए, जहाँ अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा उसकी रक्षा करते हैं, जहाँ प्रभास और अमिताभ बच्चन की आपस में फाइट देखने को मिलती है, जो कि ये बढ़िया था अपने को एक्साइटिंग करने के लिए, कि बंदे को तभी रियलाइज होगा जब वो फाइट कर रहा होगा अश्वत्थामा से कि वो कर क्या रहा है। बाकी इट्स गुड, काफ़ी डिटेल है जो कि रह चुकी है, मुझे पता है, जो कि अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, इसकी डिटेलिंग जो कि बहुत कुछ बयां कर जाती है, जिसके ऊपर बाद में वीडियो लाते हैं। बाकी तुम बताना कि तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन थी इसको लेकर, और क्या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पर ये खड़ी उतरती है। बाकी तब तक देखते रहो बेयर बैक क्रिएट।